सुन लो, 47 से कम भी आई ना तो महापौर जो है इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस का होगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस का होगा, ये मैं पूरी ताकत के साथ बोल रहा हूँ। मतलब बीओडी की जनता एक बार फिर कांग्रेस को भरोसा करे? बिल्कुल इंशाअल्लाह, ये है भरोसा, है भरोसा। आप मिलिए ना, आप शहर में घूमिए। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। खड्डों में तब्दील भिवंडी शहर की सड़कों पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे होने के कारण ट्रैफिक जाम से लोगों को अपने स्थान तक पहुंचने में घंटों का समय लगता है। राजीव गांधी उड़ान पुल की हालत बद से बदतर हो गई है। शहर की सड़कों की मरम्मत करने की मांग को लेकर भिवंडी कांग्रेस की ओर से आज मनपा मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन किया गया। भिवंडी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन के अध्यक्षता में खराब सड़कों व मनपा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज गुरुवार मनपा मुख्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर मनपा प्रशासन के खिलाफ हाय कमिश्नर तूने क्या किया, हाय महापौर तूने क्या किया, भिवंडी को बर्बाद किया, इस तरह के नारे लगाए। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सभी राजकीय पक्षों द्वारा पत्र व्यवहार करने के बावजूद मनपा प्रशासन ने किसी प्रकार के ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण शहर के नागरिकों में मनपा प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। इस आंदोलन में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के पूर्व भिवंडी सांसद सुरेश टावरे, नगर सेवक सिराज ताहिर मोमिन, फराज बाबा बाउद्दीन, वसीम अंसारी, साफ मोमिन, अशरफ मुन्ना, सोहेल खान, रुखसाना कुरैसी, रेहाना अंसारी, हरसाली मात्रे, अरफात खान, इखलाक अंसारी, वसीम खान आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। देर शाम मनपा अधिकारियों को ज्ञापन देकर सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मांग पूरी न होने पर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट को। आज का ये कांग्रेस का एक बड़े कांग्रेस के दल का जो मोर्चा धरना था सर, किस विषय में था और क्या कारण था? देखिए आज का धरना आंदोलन जो हमारा था, कई रोज से हमारा चल रहा, तकरीबन एक महीना पहले हमने कमिश्नर साहब को एक लेटर देकर दरख्वास्त की थी कि आपको हम 10-12 दिन का वक्त देते हैं और इसमें कम से कम, नया रोड बारिश है नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम खड्डे भरने का काम आप कीजिए। और ये पहला गणपति मैं अपनी लाइफ में 35 साल के राजकीय जीवन में देख रहा हूँ, ये पहली गणपति में खड्डे वैसे के वैसे ही रहे और इसी खड्डों के बीच में लोगों ने गणपति जैसा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो है लोगों ने मनाया। लेकिन उसके बावजूद 8-10-12 दिन कोई भी काम नहीं हुआ। जो खड्डे भरते थे वो मिट्टी में मिला के, कीचड़ में मिला के भरते थे। हमने उनसे फ़ोन करके कहा भी कि इस तरह से मिट्टी कचरे में मिला के अगर आप भरते हो वो सब निकल जाता है और कोई फायदा नहीं, म्यूनसिपलिटी का करोड़ों रुपया इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। सर देखा जाए तो हर बरसात के कारण यहाँ पर हर साल रोड के रास्ते खराब हो जाती है सर, वैसे में कांग्रेस के यहाँ पर 47 नगर सेवक है, उसके बावजूद ये रास्ते की हालत ऐसी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए कांग्रेस सब किसी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे NCP हो, चाहे शिवसेना हो, हर किसी को अगर खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है। NCP ने पहले जो है हमारे 18 नगर सेवकों को पैसे के बल पे तोड़ के लेके गए। हम उनके खिलाफ, हम समाजवादी नहीं है कि हम पार्टी से निकाल दिए, नगर सेवक अपनी जगह कायम रहे। हमने पहली मर्तबा कोकण कमिश्नर के सामने केस दाखिल किया और सभी कॉरपोरेटर को डिस्क्वालीफाई करने का हमने, ऐसा कुछ नहीं है पहली मर्तबा। और ये खड्डे जो है आप बोल रहे हो कि पहली मर्तबा, ऐसा नहीं हुए लेकिन इतनी ख़राब हालत जो है ना, मैं समझता हूँ कि इससे पहले शहर की इतनी ख़राब हालत नहीं थी। आज ये हालत हमारे 18 नगर सेवक जाने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, 28-29 नगर सेवक आज हमारे इस कॉरपोरेशन में हो ये रहा है। हमारा गुस्सा इस पर भी है कि महापौर जो है या उनके लोग हमारे कॉरपोरेटर जाते हैं, उनका काम नहीं होता है। हालांकि जो जनरल बोर्ड में कोई उसको विरोध नहीं कर पाता, हमारे कॉरपोरेटर का जो ठहराव हुए काम है उस पर महापौर जो है, जो लोग गद्दारी करते हैं उनके ठहराव पे सही करती है और जो हमारे नगर सेवक है उनके ठहराव पे दस्तखत नहीं करती, जिसके ज़रिए के कमिश्नर जो ऑर्डर करके वर्क ऑर्डर इशू करे। इसकी शिकायत हमने ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को की है, हमारे सीनियर मिनिस्टर को की है और हमने उससे कहा कि कमिश्नर को बुला के आज जो भी काम हो रहा है शहर में हमारा जो 2.5 साल में जो काम हुआ है, जो हमने काम पास किया है, जिसकी शुरुआत की है, जो प्रोसेस में है, आज ये एक काम बता दे मैं कि ये 2.5 साल में इन्होंने ये नया काम पास किया और ये काम हो रहा है, वही पीरियड का आप
ठीक है प्रोसेस में कुछ दो साल ढाई साल एक साल लगता है, वो प्रोसेस का ही काम आज भी शुरू हो रहा है। देखो भिवंडी की जनता कांग्रेस को चाहने वाली है और नगर सेवक आपसे बगावत करे, हमारे 18 नगर सेवक बगावत करे और इसीलिए हमने कोकण डिवीजन में केस दाखिल किया है। कोकण डिवीजन भी कमिश्नर भी किसी न किसी दबाव के तहत उसमें जो आके तारीख दे रहा था, हमारे लोग जो है हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने उनको अब निर्देश दे दिया है कि आप 31 दिसंबर से पहले जो है इसका फैसला कर दें और इंशाअल्लाह ताला इस जो मैं वकील भी हूँ, मुझको मालूम है कि इस केस में सिवाय डिसक्वालिफिकेशन के दूसरा कोई फैसला आ नहीं सकता है और इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर दूर की बात है लेकिन उससे पहले ही 18 नगर सेवक के डिसक्वालिफिकेशन का आएगा। हमारा इतना सख्त रवैया लेकर वो कॉरपोरेटर 18 हमारे पास आ रहे थे, वो चाहते थे कि हमको पार्टी माफ़ कर देवे, जो सज़ा हमको देना चाहिए, यहाँ तक के डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद भी नगर सेवक जो है उसमें से कुछ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सर, हर बारिश लेकिन हम लोग नहीं ले रहे हैं। अगर ये कड़क डिसीजन जल्दी आ जाता है तो उसमें सबसे बड़ा काम यह होगा कि आगे हम लोग जो कांग्रेस पार्टी से चुन के आएगा वो कांग्रेस पार्टी का और इस शहर का वफादार है। नगर पालिका में कांग्रेस द्वारा ताला लगाने का कार्यक्रम किया गया था, उसको पुलिस विभाग ने रोक दिया सर, क्या कहेंगे? देखिए हमने अपना कार्यक्रम किया और आप लोग अगर उस गेट से जाओगे तो देख लोगे हमारे किसी नौजवान ने जाके काम किया, वो इस गेट के ऊपर पुलिस हमको रोक रही थी, हालांकि हमारे खासदार साहब हैं, हम हैं पूरी ताकत के साथ हम बोल रहे थे कि हम अगर गैर कानूनी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर केसेस भरिए, हमको अरेस्ट कीजिए। सर जानकारी ये भी है कि कुछ 5 ही मिनट में वो ताला तोड़ दिया गया, अब जाने दो यार, अब 24 घंटा में वहाँ ये नहीं कर सकता पहरेदारी, सुन लो 47 से कम भी आई ना तो महापौर जो है इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस का होगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस का होगा, ये मैं पूरी ताकत के साथ बोल रहा हूँ। मतलब है भिवंडी की जनता एक बार फिर कांग्रेस पे भरोसा करे? बिल्कुल इंशाअल्लाह ये है भरोसा है, भरोसा आप मिलिए ना, आप शहर में घूमिए, पब्लिक किस पर भरोसा, पब्लिक ने तो आपको मौका इससे पहले भी दिया था, पहले दिया था हमारे लोग जो हम इसीलिए इतना सख्त रवैया इसीलिए अपनाए कि उनको अगर डिस्क्वालीफाई 6 साल तक यानी ये इलेक्शन भी नहीं लड़े अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सके, इतनी बड़ी सजा देने के बाद तो आगे कोई इसकी हिम्मत नहीं करे। सर रास्ते का खट्टा हम जो है ना, इसका अगला कदम क्या होगा? देखो मैं हम लोग ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पे इससे बड़ा आंदोलन, अगर दिवाली से पहले डामर का अच्छा रास्ता अगर पूरे शहर का नहीं बना तो इससे बड़ा आंदोलन जो है भिवंडी शहर में यहाँ पर होगा। थैंक यू।